हेलो एवरीवन, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की कि भैया हमारे कॉलेजेस के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि अभी तक किसी भी कॉलेज ने फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी नोटिस रिलीज़ नहीं किया है। हाँ, अगर किया होगा तो आप ज़रूर स्टूडेंट्स बताइएगा, लेकिन मैंने जितना देखा है सारे जो भी मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस है, हंसराज हिंदू, सत्यवती कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज और जितने भी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस की वेबसाइट पर मैं जाकर विजिट किया हूँ, वहाँ पर अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन या नोटिस रिलीज़ नहीं किया गया है कि नहीं हम स्टूडेंट्स को तभी एंट्री लेंगे जब स्टूडेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे अपना। तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता भी है तो भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता तो और अच्छी बात है। तो आपको जो है कॉलेजेस के अंदर जाने होंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी फ़ीस स्लिप रहेगी। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स को अपनी फ़ीस स्लिप जो है ज़रूर बैग में कैरी कर लेनी है। फीस स्लिप आपको कॉलेजेस की वेबसाइट पर जहां पर आपने फ़ीस भरा होगा वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जो है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, तभी आपको वहां की जो सिक्योरिटी है कॉलेजेस की वो आपको एंट्री देगी, अदरवाइज़ एंट्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट 17 तारीख को कॉलेज जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अपनी फ़ीस स्लिप अपने बैग में ज़रूर डाल लीजिएगा। एंड देन जितने भी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो ये कार्ड मिल गया होगा, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मोस्टली कि कुछ सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स को मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के एंड फर्स्ट ईयर के कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो उसके बाद महज एक हफ्ते के बाद जो है आप सभी स्टूडेंट्स को इस तरीके का कार्ड दे दिया जाएगा। ये मेरा कार्ड है, मेरे कॉलेज का कार्ड है, जिसके अंदर नेम, फादर्स नेम, कोर्स, कॉलेज रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस डिटेल्स दी गई होती है। और ऊपर वाले सेक्शन के अंदर यानी कि ऊपर टॉप पे आप सभी स्टूडेंट्स के जो कॉलेज है जहाँ लोकेटेड है वहाँ का ईमेल एड्रेस एंड जो भी फिजिकल एड्रेस है वो सारी चीज़ें मेंशन की गई होती है। जैसे कि मेरा कॉलेज है सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो उसका ये कार्ड है एंड कॉर्नर पे जो है वो प्रिंसिपल मैम के साइन है एंड इधर जो है वो मेरा साइन है, मेरा फ़ोटो है। ठीक है, एंड इधर जो है हम लोगों का कार्ड का रिन्यूअल है। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का तो कोई रिन्यूअल नहीं होता है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का जब मिलेगा तो उसमें सेकेंड ईयर का रिन्यूअल होगा एंड थर्ड ईयर का भी रिन्यूअल होता है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये काम नहीं करवाया है करवा लीजिएगा एंड फीस स्लिप जो है वो जरूर रखिएगा। फीस स्लिप आप देंगे एंड जब आप इंटरेक्टिव होंगे प्रोफेसर के थ्रू तो आपको प्रोफेसर खुद ही से इसके बारे में बता देंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स का आई कार्ड बन गए हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से जो है आप अपने आई कार्ड को ले सकते हैं। तो आई कार्ड मिल जाएगा तो आपको फीस स्लिप दिखलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, किसी भी कॉलेज से हो, अभी तक किसी भी कॉलेज ने आई थिंक कि जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई नोटिस नहीं रिलीज़ किया है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो चेक करेंगे। और एंड अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने एडमिशन के अंदर दिए थे लाइक पासपोर्ट फोटो साइज 3-4 ले लेना, ठीक, फिर 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट एंड फीस स्लिप उसके अंदर भी लगाना है आप सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद आपने जिस भी कैटेगरी से एडमिशन लिया था, SC, ST, OBC, EWS, स्पोर्ट्स कोटा, तो उसका सर्टिफिकेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेल्फ अटैच कर लेना, सेल्फ अटैच का मतलब कि उस पर अपने सिग्नेचर जरूर कर लेना। ठीक है, फोटोकॉपी करना, ओरिजिनल वाले पे नहीं करना, ओरिजिनल वाला जो है आपको लेके जाना वहाँ पर दिखाने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा अपडेट ऑफिशियल नहीं आया है किसी भी कॉलेज के तरफ से कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तभी स्टूडेंट्स को जो है वो अलाउ किया जाएगा कॉलेजेस के अंदर। एंड हाँ, कॉलेजेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं अपनी सेफ्टी जरूर रखिएगा, आई मीन्स कि हैंड सैनिटाइजेशन आपको कॉलेज में मिल जाएगा, बट मास्क जो है वो जरूर पहन के जाइएगा। ठीक है, सो अपना ख्याल से ज़रूर स्टूडेंट्स सभी रखेगा। बाकी आई होप कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड मिलते हैं, अब तो फिजिकल ही मिलना होगा सभी स्टूडेंट्स का, हम भी मिलेंगे थर्ड ईयर के हैं एंड आप भी मिलोगे सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सभी स्टूडेंट्स मिलेंगे। ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर, अपडेट नहीं पता होगा, चीज़ें नहीं पता होंगी,
तो आई होप कि पता चल गई होगी, तो सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे भी हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करवाते रहूँगा, एंड आपके ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें भी हेल्प करते रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। फिजिकल मीटअप होगा हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।